हेलो एंड वेलकम टू शस्त्र रसोई। मैं हूं स्नेहा सिंघी और आज हम बनाएंगे मटन रोल। मटन कलकत्ता की सबसे फेवरेट डिश है, फिश एंड मटन, बस लोग और कुछ नहीं खाते, तो इसीलिए हम वो ही बनाएंगे जो सबको पसंद है, जिसके लिए हमें चाहिए मटन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सारे मटन के पीसेस को नाइफ से अच्छी तरीके से प्रिक करें ताकि मैरिनेशन में सब फ्लेवर अंदर सीप इन हो जाए। तो पहले हम इसमें डालेंगे जायफल पाउडर बहुत थोड़ा, और फिर जावित्री पाउडर, और अब लौंग का पाउडर, फिर हम और दूसरे स्पाइसेस मिक्स करेंगे, बट पहले इसे अच्छे से मसल ले। तो ये रेसिपी इसलिए फेमस है क्योंकि कलकत्ता में ही बस रोल्स बनता है, अदरवाइज और सब जगह में फ्रैंकीज बनती है। तो हमारे वहाँ मटन रोल, चिकन रोल, एग रोल, डबल मटन रोल, डबल एग रोल, सब ऐसा बनता है। एंड ऑल्सो कि इसमें भी हम डेफिनेटली मस्टर्ड ऑयल तो डालेंगे ही ताकि स्मेल कलकत्ता जैसी आए। तो अब ग्रीन पपाया पेस्ट, इससे बस मटन जल्दी कुक होगा और बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। जिंजर पेस्ट, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर कलर के लिए ऑफ कोर्स, थोड़ा नमक, थोड़ा सा मॉल्ट विनेगर हंकर्ड, और इसे अच्छे तरीके से मसलें। तो अब ये मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल जस्ट फ्लेवर के लिए। तो अब हम इसे रेस्ट करने रख देंगे 45 मिनट्स टू एक घंटे तक, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम इसे स्क्यूअर्स में डालेंगे तो हम चाहते हैं कि वो उसी में रहे, नहीं तो वो गिर जाएगा पूरा। तो चलिए अब हमारा मटन लगभग 50 मिनट से रेस्ट कर रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसकी प्रेपरेशन के लिए, जिसके लिए आपको लगेगा साटे स्टिक। इसे आप पानी में ज़रूर रखें, नहीं तो ये ओवन में जाते जाते बर्न हो जाएगा। तो अब साटे स्टिक में एक एक पीस डाल के हम फिर इसे बेक करेंगे। अगर आप चाहो तो इसे बस साटे स्टिक पे भी सर्व कर सकते हो, अगर आपको रोल नहीं बनाना हो तो। इसे बस अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे ताकि सब पीसेस इवनली कुक हों। तो अब हमारे साटे स्टिक्स रेडी हैं, अब हम इसे डालेंगे ओवन में लगभग 40 से 50 मिनट तक, जब तक ये पूरी तरीके से पक नहीं जाता, और फिर हम इसे निकाल के अपने पराठे पे डालेंगे। तो चलिए ओवन में डालते हैं। तो चलिए अब हमारा मटन रेडी है, हमने इसे ओवन में करीब एक घंटे के लिए कुक किया। मेरा पराठा रेडी है। तो हमने आज आटे का पराठा बनाया है, बट आप घर पे मैदे का भी बना सकते हैं। इसमें हम अब अपना मटन डालेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हुआ है। फिर हम डालेंगे प्याज, थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला, हरी मिर्च और नींबू। अब हम इसे अच्छी तरीके से रोल करेंगे और बटर पेपर पे रोल करेंगे। बस अब तैयार, अब हम इसे प्लेट करेंगे। आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारा मटन रोल रेडी है, बहुत ही आसान रेसिपी है गाइस, प्लीज घर पे जरूर बनाएं।
please do connect with us on all our social media platforms, YouTube, Twitter, Instagram, or Facebook.